हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज है संडे और संडे मतलब मेरा घूमने का दिन। तो फिलहाल मैं अभी हूँ रेलवे स्टेशन पर और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किधर जा रहे हैं। तो देखते हैं ट्रेन कहाँ पर है। दूर दूर तक कोई ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इंतज़ार करते हैं और कर भी कह सकते हैं। Today's destination, Rail Museum, Howrah. तो गाइस, अभी मैं उतर चुका हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन पर और स्टेशन के बाहर आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है चारों तरफ कोहरा है, जैसा ठंडी के मौसम में होता है ना। लेकिन ये कोहरा नहीं है, आज मौसम ख़राब होने की वजह से आसमान साफ नहीं है, इसलिए सब कुछ ऐसा धुंधला धुंधला लग रहा है कोहरा जैसा। दोस्तों, स्टेशन से निकल के अभी मैं जा रहा हूँ बस लेने, देखते हैं कितनी जल्दी मुझे बस मिलता है। तो दोस्तों, मैं चढ़ गया बस में लेकिन मुझे बैठने का जगह नहीं मिला। जगह किधर है ए बात मिल गया जगह, तो मैं बैठ गया अपनी सीट पे और अभी चलते हैं अपने मंजिल की ओर। दोस्तों, बस से उतरते ही मुझे यहाँ पे छाछ टाइप का कुछ पीने के लिए मिला, तो पहले इसको खरीद के पीते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों, खाना पीना हुआ समाप्त, अभी हम लोग जाएंगे सीधा रेल म्यूजियम की तरफ। आप देख सकते हो मेरे पीछे हावड़ा रेलवे स्टेशन है, इधर से आप लोग सीधा 10 से 15 मिनट चल के जाओगे तो रेल म्यूजियम आ जाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू योर डेस्टिनेशन इज 400 मीटर्स। तो भाई लोग, चलते चलते मैं भी काफी दूर आ गया हूँ, यहाँ से बस और थोड़ा दूर। After 20 meters, turn right. मैं चलते चलते आ गया एकदम रेल म्यूजियम के पास और बस थोड़ी देर। दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ रेल म्यूजियम पर और ये रहा मेरे पीछे वो रेल म्यूजियम। तो फटक से जाके टिकट लेके अंदर घुस जाते हैं। मौसम भी खराब है, कभी भी बारिश आ सकता है, तो बारिश आने से पहले हम घूम लेते हैं। तो चलो। गाइस, मैंने ले लिया टिकट लेकिन चेकिंग के दौरान बीच में से फाड़ दिया गया, तो कोई नहीं। ये रहा रेल म्यूजियम, तो चलो इधर से ही शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ कॉशन से पहले इसे भी पढ़ लेते हैं। और इधर है रेल म्यूजियम का मैप, इसे भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किधर जाना है या नहीं जाना है। तो पीछे चल रहा है जेसीबी का काम, लेकिन हम जिस काम के लिए वो करते, चलो। आज संडे है लेकिन वेदर खराब होने की वजह से म्यूजियम थोड़ा खाली खाली सा है, कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छा है। तो अभी मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा सा इंजन है, देखते हैं ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलो। तो दोस्तों, अगर मैं इस इंजन के बारे में बात करूं तो ये एक 6 सिलेंडर का डीजल इंजन है और इसकी क्षमता है 700 हॉर्स पावर। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी चमक रहा है, मतलब थोड़े टाइम पहले इस पे पेंट किया गया होगा। और ये रहा उसका कोच जो अंदर से काफ़ी आलीशान है। और ये रहा इंजन, आप देख सकते हो यहाँ पे लोको पायलट का एक डामी रखा हुआ है और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का मैकेनिज्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ ऐसा है, यहाँ से ही ट्रेन को ऑपरेट किया जाता था। और ये एक स्टीम लोकोमोटिव है जो नैरोगज कंपनी ने बनाया था और ये है इसका मैकेनिज्म, यहाँ से ऑपरेट किया जाता था।
इसको ग्लासगो में नॉर्थ ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये स्टीम लोकोमोटिव 1926 में चलना शुरू किया था और 1996 में इसको रिटायर कर दिया गया। इसके अंदर का नज़ारा भी आप देख सकते हो, काफ़ी आलीशान है और काफ़ी सुंदर भी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने इंजन का मिनिएचर रखा गया है, जैसे ये है WDM2 का सेकंड क्लास इंजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मिनिएचर्स का पार्ट्स अलग अलग करके उसको पानी से साफ़ किया जा रहा है। सारे अंजर पंजर को अलग कर दिया गया, भाई साहब फिलहाल अभी इसको साफ़ कर रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ, ये है हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे अलग अलग ट्रेन के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो गेट से एंट्री लेते ही आपको म्यूजियम के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये दिखेगा, ठीक है, और इसके ठीक ऑपोजिट में यानी राइट साइड में आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा। ऑब्वियसली आप यहाँ से कुछ भी खा सकते हो। ओ भाई साहब, ये तो गेट है, मैंने सोचा सच में ट्रेन आ रहा है। भाई ये देखो, ये वाला गेट नकली है, लेकिन यहाँ से ट्रेन असली जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे व्हील्स है, ये है ई क्लास प्लेन बेयरिंग व्हील्स, और इधर है स्पोक व्हील्स, ये है एनजी स्टीम लोकोमोटिव व्हील्स, और लास्ट में है डिफरेंटल व्हील्स। तो भाई यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त लग रहा है यार। और उधर आप देख सकते हो टॉय ट्रेन है, यहाँ पे टॉय ट्रेन मतलब चलता है 30 रुपए में, इस मतलब पूरे जगह का 2 चक्कर लगाता है आई थिंक, मुझे पता नहीं। इस पे भी हम चढ़ के देखेंगे, लेकिन लास्ट में पहले हम घूम लेते हैं, ठीक है, बाद में एक बार बैठेंगे पूरा इस म्यूजियम को चक्कर मारेंगे, ठीक है, चलो। और यहाँ पे एक इंजन टाइप का कुछ रखा गया है, आप देख सकते हो नीचे की तरफ लाइट भी लगा हुआ है, इसका मतलब शाम के टाइम चलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता होगा। इधर एक बहुत ही पुराने टाइम के इंजन का एक मॉडल है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे विरासत, जहाँ पे रेल में काम करने वाले हर एम्प्लॉयज़ के मॉडल्स को शोकेस किया गया है। जैसे ये है रेल पुलिस, और दूसरा है इधर कुली, आप देख सकते हो सर पे अपना सामान लेके खड़ा है। इधर है स्टेशन मास्टर, और इधर ये रहा चौकीदार, देखिए हाथ पे डंडा लेके खड़ा है। इधर ये है लीवरमैन, जो अभी फिलहाल लीवर को खींच रहा है, ये देखो। इधर है गैंगमैन, जो रेल में कुछ खराबी आते ही उसको सही करने में लग जाते हैं, और उसके हाथ पे आप देख सकते हो हाथोरा वातरा कुछ है। ये है पोर्टर, जो हाथ में लाइट लेके खड़ा है, मुंह के पास सीटी टाइप कुछ है जो उसको पकड़ के रखा है, आप देख सकते हो। ये है विद्युत, देखते हैं यहाँ पे क्या शोकेस किया गया है, चलो। तो आप देख सकते हो बाहर से कुछ मिनिएचर्स है ट्रेन के इंजन का, और लाइट्स वाइट्स है, लैंटर्न है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैम्पोलिन है, अगर आप बच्चों को साथ ले आते हो
तो उनका भी टाइम मस्त पास हो जाएगा। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन का आप थीम या मिनिएचर बोल सकते हो, पुराने टाइम का, आज का हावड़ा स्टेशन नहीं, ये है पुराने टाइम का, उसके मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग उधर जाके भी देखेंगे, तब तक इधर घूम लेते हैं। वाह भाई साहब, नीचे रेल ऊपर प्लेन। हाँ, प्लेन से याद आया, अगर आपने एयरक्राफ्ट म्यूजियम का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे टैप करके देख लेना। फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये रहा रेल कोच वाला रेस्टोरेंट जो फिलहाल अभी ओपन हो रहा है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये भी एक ट्रेन है, देख सकते हो पहिए भैया भी ट्रेन का ही है, पटरी पे है। तो ये एक क्रेन ट्रेन है और इसका काम है टो करना। अगर कहीं पे कोई ट्रेन खराब हो जाता है या कोई दिक्कत में फंस जाता है तो ये उसको टो करके ले आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसका हुक केबल सब कुछ है और ये 30 टन तक वजन सहन कर सकता है। और दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ और एक नए तरह का ट्रेन, नए नहीं मतलब पूरा नहीं, देखो ये रहा एक छोटा सा ट्रेन जो देखने में एकदम बस की तरह है, लेकिन ये बस नहीं एक ट्रेन ही है और इसका नाम है रेल बस। इसका पहिया किधर गया, गायब है, छोड़ो। चलो इसका अंदर का नज़ारा ज़रा देखते हैं। चलो अंदर एक बार कैमरे को घुमा लेते हैं। अरे अंदर भी खाली है, कुछ नहीं है, सब ले गए, पूरा खाली है। और पीछे से भी देख लो आप एक बार रेल बस को। अगर कहीं पे आपको ये चलते हुए दिखे तो उस जगह का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। ओह भाई साहब कितना चल लिया मैं आज, उधर से इधर, इधर से उधर, कहाँ कहाँ मैं घूम रहा हूँ अकेले अकेले। तो अब किधर जाए, किसके बारे में बताइए। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजन है जो आसनसोल लाइन में चलता था। आज की डेट में इलेक्ट्रिकल इंजन काफ़ी आम बात है, लेकिन उस ज़माने में ये काफ़ी रेयर था। फिलहाल ये रिटायर्ड के बाद इस म्यूज़ियम में है। तो दोस्तों ये ट्रेन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये जो ट्रेन है ये ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है उसका ट्रेन है, जो 1971 में युद्ध के टाइम ये ट्रेन ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ गया था। तभी हमारे सैनिकों ने इस पे कब्जा कर लिया और तब से ये इंडिया में ही है। इससे पहले ये ट्रेन बैंडेल वर्कशॉप में था, अभी फिलहाल इस म्यूजियम में है। तो भाई आज तक मैंने चलती हुई ट्रेन पे कभी नहीं चढ़ा, लेकिन आज ये ट्रेन रुका हुआ है तो इस पे ऐसे चढ़ जाता हूँ। और ये भी एक स्टीम लोकोमोटिव है, तो इसके अंदर भी एक बार नजर मार लेते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंजिन्स है, इसका हाल आप देख सकते हो। ये देखो इस पे एकदम जंग जम गया, ये देखो जंग। ये सब ट्रेन एक टाइम पे आज से काफ़ी टाइम पहले काफ़ी सारे पटरी पे दौड़ा होगा, लेकिन अभी फिलहाल खड़ा है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ इतने सारे ट्रेनों के बीच में, चारों तरफ देख सकते हो ट्रेन ही ट्रेन है। और ये सब आज का ट्रेन नहीं है, बहुत पुराना है, कुछ आज़ादी के पहले का है, कुछ आज़ादी के बाद का है। तो अच्छी बात है ये म्यूज़ियम बना, इसलिए ये सब यहाँ पे है। और अगर ये म्यूज़ियम नहीं बनता तो शायद ये सब लोहे के भाव में बेच दिया जाता था और पता नहीं तोड़ फोड़ के कुछ और बना दिया जाता था। लेकिन आज ये म्यूज़ियम है इसीलिए ये सब हमारे सामने है और हमें देखने के लिए मिल जाए, ये अच्छी बात है। तो अभी हम चलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया यहाँ पे हावड़ा स्टेशन का एक मिनिएचर है, तो उसके अंदर चलो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हावड़ा मिनी रेलवे स्टेशन पर और सामने है मिनी टॉय ट्रेन। तो ये एक्चुअली वो क्या कहते हैं, कलेक्शन हाउस। तो इसके अंदर जाके देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है, चलो।
ये रहा हावड़ा रेलवे स्टेशन का एक मिनिएचर जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये है ऑयल लैंप, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं लेकिन अब देख लिया। और ये रहा लीवर फ्रेम, तो कुछ ऐसा होता है लीवर फ्रेम। ये है मॉडल ऑफ RRI यानी रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का मॉडल, कुछ ऐसा होता है। आप में से किसी को अगर लोको पायलट बनना है तो वो यहाँ पे आ सकते हो, आशा करता हूँ मजा आएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं कलेक्शन हाउस के बाहर, क्योंकि मुझे चढ़ना है टॉय ट्रेन। मेरा दिल तो एकदम उतावला हो रहा है, अंदर गर्मी हो रहा था यार, बाहर काफ़ी हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। टॉय ट्रेन चालू होने में टाइम है, तब तक थोड़ा पानी वानी पी के इंतज़ार करते हैं, जब ही चालू होगा तभी भाग के जाएंगे। तो गाइस मैं भाग के आया टॉय ट्रेन के टिकट काउंटर पे, क्योंकि अभी टॉय ट्रेन चालू होने वाला है, और मैं अपने पर्स से जितना भी छोटा मोटा छुट्टा था अंकल को दे के ले लिया टिकट। ये रहा टिकट जो 30 रुपया है, और सामने है टॉय ट्रेन, तो जाके सीधा बैठ जाते हैं। तो भाई इस पे बैठने के बाद ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, दार्जिलिंग सा लग रहा है, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा। तो दोस्तों टॉय ट्रेन का सफर हुआ खत्म, अभी हम आ गए स्टेशन पे, उतरना पड़ेगा। ये 30 रुपए में सिर्फ एक चक्कर ही घुमाता है, लेकिन चढ़ के मजा आ गया। तो दोस्तों मैं म्यूजियम से निकल के सीधा आ गया लॉन्च घाट पे, क्योंकि मुझे यहाँ से नदी को क्रॉस करना है। आते वक्त मैं हावड़ा ब्रिज से आया था, लेकिन मैं अभी जाऊंगा लॉन्च से। तो अभी मैं आ गया लॉन्च घाट के अंदर, यहाँ पे भी काफ़ी हवा चल रहा है। ये रहा मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज, नज़ारा काफ़ी शानदार है। इधर नज़ारा देखते देखते मेरा लॉन्च छूट रहा है, तो जाके जल्दी से चढ़ जाते हैं। ये चढ़ गया मैं लॉन्च पे, तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों मेरा नदी पार करने का सफ़र हुआ ख़त्म, मैं उतर चुका हूँ लॉन्च से। अभी मुझे इधर से ट्रेन लेना है घर जाने के लिए, लेकिन यार आसमान थोड़ा गरज रहा है, बारिश कभी भी आ सकता है। बारिश का मौसम है ये तो आता रहेगा, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ, इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।